चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास में बड़ी भूमिका अदा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में इनके मानदेय में और भी बढ़ोतरी का संकेत दिया। लोक भवन में पोषण अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कर्मी को स्मार्टफोन दिया है। इस दौरान उनके साथ महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह के साथ ही मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया और उनके कई साहसिक कार्यों की जमकर सराहना भी करी है। इस दौरान उन्होंने कहा पिछले दिनों जो मानदेय बढ़ाया गया वो परफॉर्मेंस के आधार पर था। आंगनबाड़ी केंद्र को बाद में प्री प्राइमरी के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सरकार कार्य कर रही है, गंभीरता पूर्वक कार्य कर रही है और आप देखना काफी परिवर्तन इसमें होगा। लेकिन आज जो दो कार्य यहां पर संपन्न हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। मैं इस अवसर पर विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन आंगनबाड़ी बहनों को आज यह स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध कराई जा रही है, आपकी बेहतर ट्रेनिंग हुई है, आप इसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। देखते ही देखते जो कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर अनियंत्रित कहा जा रहा था वह पूरी तरह नियंत्रित हुआ है। आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर एक मॉडल देने का काम किया है कि कैसे किसी महामारी में हम सामूहिक प्रयास से कैसे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। कोरोना उसका एक मॉडल यूपी के अंदर है और यह पहली बार नहीं हुआ है, हमारे पास तो अनुभव था इससे पहले का। मैं जानता था आंगनबाड़ी आशा वर्कर एएनएम इन सब की ताकत को मैं जानता था, लेकिन हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी ताकत को न समझा हो। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने चरणवार ढील देने की योजना के तहत एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब ओपन क्षेत्र में होने वाले वैवाहिक और अन्य मांगलिक कार्यों में संख्या के निर्धारण को समाप्त कर दिया है। इस दौरान भी कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की समीक्षा के दौरान टीम 9 के साथ बैठक में मांगलिक कार्यों के लिए बड़ी छूट का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा की ओर से नियुक्त किए गए प्रभारी और सह प्रभारी बीजेपी को जीत दिलाने के लिए रणनीति तैयार करते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के सह प्रभारी प्रदेश सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु मेरठ पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए उन्हें जीत का मंत्र दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ग्रास रूट लेवल पर काम करने पर विश्वास करने वाली पार्टी है और मेरठ में इसी क्रम में कैप्टन अभिमन्यु को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सह प्रभारी है कैप्टन अभिमन्यु और मेरठ में वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक कर रहे हैं। कहां लूप होल्स है ये जानने की कोशिश इस दौरान लगातार चल रही है और जीत का मंत्र भी दिया जा रहा है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ मेरठ से आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कैप्टन अभिमन्यु ने अभी कितनी बैठकें कर ली हैं और बैठकों में क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आए? सुबह 10:30 बजे कैप्टन अभिमन्यु सिंह जो है वो भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंच गए थे और सुबह से ही पहले उन्होंने जो भाजपा के पदाधिकारी उनके साथ बैठक की। उसके बाद वो 12:30 बजे से जो किसान मोर्चा है और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ के पदाधिकारियों के साथ और सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है इसमें क्षेत्रीय जो मोर्चा के सभी पदाधिकारी मौजूद थे, उन्होंने मंत्र दिया है कि पहले इसके बाद वो जो क्षेत्रीय पदाधिकारी है वो जिले में जाकर सब ग्राउंड पे काम करेंगे। इसके साथ ही अब वो महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के साथ बैठक करेंगे। शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपको बता दें कि लगातार कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से कवायद की जा रही है, हर उस पहलू पर विचार हो रहा है कि आखिरकार किन पर किन क्षेत्रों पर गौर फरमाते हुए अगर
मजबूती दी जाए तो जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो आईएएस के घर पर जमात की पाठशाला चल रही थी। यूपी में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक आईएएस अधिकारी अपने सरकारी आवास पर धार्मिक प्रवचन देते नजर आ रहा है और आरोप है कि उस प्रवचन में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने वाली तकरीर दी गई है। अब इस पूरे मामले में जांच के लिए शासन ने एसआईटी का गठन कर दिया है। क्या है पूरा मामला, ये खास रिपोर्ट देखिए। पहली नजर में यह आपको किसी सामान्य प्रवचन का वीडियो लग सकता है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई है। वीडियो में प्रवचन देने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि ये कानपुर में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन है। इसीलिए इस वीडियो को गौर से और विस्तार से सुनिए। पूरे दुनिया के इंसानों, या युवन नास है कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा है, प्लुरल है ना, इंसान के माने एक इंसान। और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होगा इस्तेमाल में, इसके माने कुल के कुल इंसान। तो जब Tell the mankind that, oh mankind, I am the Rasul of Allah to you all in total, Jamia in total. Not a single has been spared. ये प्रवचन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में चल रहा है, आगे सुनिए। इमाम होना है, यानी पूरी जमीन पर अल्लाह के नूर का इमाम होना है, अल्लाह हर कच्चे पर कपड़े अरे अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निजाम दाखिल होना है। कैसे होगा? यहाँ पर इंसान बैठे काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, है ना, इनको जरूर पकड़ेगा। ये प्रवचन जहाँ चल रहा है ये आईएएस ऑफिसर इफ्तिखारुद्दीन का घर है। वो तब कानपुर में ही पोस्टेड थी। इसी वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि एक अफसर के घर में धार्मिक प्रवचन के कार्यक्रम का आयोजन कैसे हो सकता है। बात सिर्फ आयोजन तक ही सीमित नहीं है। इस धार्मिक कार्यक्रम में वायरल वीडियो में जिस तरीके की तकरीर हुई वो काफी आपत्तिजनक भी है। पिछले दिनों पंजाब के एक भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी थी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज दरिया बनी, तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। उनका बहन की मौत दरिया बनी इस्लाम कबूल करने के लिए, बोले जी बताइए। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो कपड़ा जंगल गया, तो सब लोग देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहाँ से निकल गया। मेरे बहन ने मालिक ने डाला तो आईएएस के घर धर्म विशेष को बढ़ाने की बात हो रही है। हालांकि जनता टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वीडियो कब का है, किसने शूट किया, ये भी साफ नहीं है। फिलहाल इफ्तिखारुद्दीन लखनऊ में परिवहन विभाग में तैनात है। वे 5 साल पहले कानपुर में कमिश्नर पोस्ट पर थे। वीडियो में कानपुर का जिक्र है, इससे माना जा रहा है कि उनकी कानपुर पोस्टिंग के दौरान का है। वीडियो की जांच के लिए शासन की ओर से एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की टीम 7 दिन के अंदर शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट जनता टीवी। वहीं कानपुर से हो रहे वायरल वीडियो पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा सीनियर आईएएस पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खास रहे हैं। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा सुनिए। निश्चित रूप से जांच के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, लेकिन ये बड़ा खतरनाक और समाज को शर्मसार करने वाला है, ये हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला है। और इस प्रकार का कृत्य अगर एक सीनियर आईएएस करे तो उन आईएएसों के लिए जो बहुत ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और जो नौजवान आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनके मनोबल को गिराने का भी ये काम करता है। सारे तथ्यों के आने के बाद ये निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार का कृत्य और जिस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है जिसको लाखों लोगों ने देखा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, घृणित है और इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और इनको निश्चित रूप से उसकी पर्याप्त सजा भी कानून देगा, ऐसा मैं भरोसा।
चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं अपडेट के लिए। हमारे साथ में अभिनव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो कानपुर से। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है? 5 साल पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है जिस दौरान इनकी पोस्टिंग जो है कानपुर में थी आईएएस अफसर की, मौजूदा वक्त में राजधानी में तैनात है। बिल्कुल, आपको बता दीजिए, सबसे पहले इस वायरल वीडियो की शिकायत मठ एवं मंदिर समन्वय समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने की थी, जिसके बाद ये वायरल वीडियो चर्चा में आया और अब कई भाजपा नेताओं ने सीनियर आईएएस पर आरोप लगाए हैं। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे ही इस वीडियो की पुष्टि हो जाएगी, सीनियर आईएएस के खिलाफ कड़ी से कड़ी और कठोर कार्रवाई शासन और प्रदेश सरकार करेगी। लेकिन बात अगर करें वहीं अगर भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष की, तो मंडल अध्यक्ष गौरव द्विवेदी ने भी तत्कालीन कानपुर आयुक्त इफ्तिखारुद्दीन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने करबला के सामने एक मंदिर था और मंदिर के जाने वाले रास्ते को करबला के लोगों के नाम पर पट्टा कर दिया था और यह सब तत्कालीन सपा सरकार में किए गए थे। यानी अब वायरल वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा सीनियर आईएएस को निशाना बनाते हुए और सीधे सीधे सपा पर भी निशाना साध रही है। लेकिन अब जनता टीवी पर खबर चलने के बाद जहां एक और कमिश्नर असीम अरुण ने इसकी जांच एडीसीपी पूर्वी को दे दी थी, उन्होंने जांच शुरू भी कर दी थी, लेकिन अब शासन स्तर से इसमें एक एसआईटी गठित कर दी गई और एसआईटी 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि वायरल वीडियो में जो क्लास चलाई जा रही है वो वाकई में सीनियर आईएएस है ठीक है नहीं। और अगर अभिनव, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी क्योंकि ये जो वीडियो मौजूदा वीडियो हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे थे अभी टीवी स्क्रीन पर और सुनाया अभी हमने पैकेज के माध्यम से, एक रिपोर्ट हमने दिखाई थी उसमें तमाम चीजें हमने दिखाई है, उसमें आईएएस अफसर तो दिख रहे हैं और उनके साथ में जो तमाम लोग तालीम ले रहे हैं या यूं कहें कि उस प्रवचन को सुन रहे हैं, उनकी भी पहचान बहुत आसानी से की जा सकती है। क्या उनकी पहचान करते हुए उनसे पूछताछ का क्रम शुरू हो चुका है या वो क्रम अभी बाकी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो ये जांच की जा रही है ये एसआईटी जांच कर रही है और बड़े ही गोपनीय तरीके से वीडियो की सत्यता को पता लगाने में लगी हुई है। लेकिन चूंकि ये वीडियो काफी पुराना है और सपा सरकार में इफ्तिखारुद्दीन यहाँ पर कमिश्नर नियुक्त थे, तो अब वायरल वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान तो की जा रही है लेकिन अभी इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है, क्योंकि पहले इसकी जांच एडीसीपी पूर्वी सोमेंद्र मीणा कर रहे थे लेकिन अब एसआईटी को जांच सौंप दी गई है, तो अब एसआईटी ही इसकी जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो आईएएस इफ्तिखारुद्दीन इस समय मौजूदा वक्त में परिवहन विभाग में राजधानी में तैनात हैं और सबसे बड़ी बात यह कि एसआईटी 7 दिनों के बाद ये जो जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है, सबकी निगाहें इस जांच रिपोर्ट पर बनी हुई हैं। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर गीता प्रेस पर रोड पर सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए जनसंपर्क पत्रक बांटे हैं, तो वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों से सरकार की उपलब्धियों को भी साझा किया है। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, मोदी और योगी की सरकार और उनके शासनकाल में हम एक बार फिर से सरकार बनाएंगे और एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो गरीब तक पहुंची, और आदरणीय योगी जी पहली बार देश के अंदर एक ईमानदार नेतृत्व, परिश्रमी नेतृत्व और गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की सेवा के लिए ऐसे प्रधान सेवक देश का विश्व में भी अपना स्थान बनाता है, देश का भी सम्मान बढ़ता है और गांव गरीब किसान का भी सम्मान बढ़ता है। उसी तरह राज्य के अंदर एक परिश्रमी नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व जो समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए, मुसहर और बंटांगिया जैसे समाज की भी चिंता करते हुए राजस्व ग्राम भी बनाना है और सभी गरीबों को पक्का छत देना। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में गठबंधन को लेकर प्रसपा चीफ शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपा से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिया, अब इंतजार सिर्फ सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जवाब का है और हम 11 अक्टूबर तक जवाब का इंतजार करेंगे। अगर सपा की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता तो हमारी पार्टी प्रदेश की 403 विधानसभाओं से चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर से वृंदावन मथुरा से पीएसपी की प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का आगाज भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ महंत नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जेल से आनंद गिरी, आद्या तिवारी,
संदीप तिवारी को कस्टडी में ले लिया गया है। सीबीआई ने जेल प्रशासन से डॉक्टरी मुआयने के बाद तीनों को नैनी सेंट्रल जेल से लेकर पुलिस लाइन पहुंची है। सोमवार को सीजेएम कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर पुलिस रिमांड मंजूर की थी, जिसमें कोर्ट ने आनंद गिरी, आदित्य तिवारी और संदीप तिवारी को 7 दिन की पुलिसिया रिमांड की मंजूरी दी थी। सीबीआई की 8 सदस्य वाली टीम ज्वाइंट डायरेक्टर विपुल चौधरी की अगुवाई में मठ से लेकर संगम स्थित हनुमान मंदिर तक सबूतों को जुटा चुकी है। सीबीआई ने मामले में घटना का कई बार 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 रिक्रिएशन भी करवाया है। फिलहाल मठ में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना जानकारी साझा किए बाहर जाने की इजाजत नहीं है। रिक्रिएशन में तमाम तरह के लूपहोल्स भी देखने को मिले थे। अब सिविल लाइन्स में जो पूछताछ चल रही है, इसमें कई सारे खुलासे होने की उम्मीद है। वृंदावन से अयोध्या पहुंचे सदगुरु रितेश्वर महाराज ने महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध निधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, पैसों के लिए, संपत्ति के लिए जिसने ये काम किया है, पीठ के लिए जिसने ये काम किया है, तो ये सतयुग में भी होता रहा है, द्वापर में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ। उन्होंने कहा, अभी प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनकी हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पीठ शीर्ष गद्दी पर बैठकर संत आत्महत्या कर सकता है, तो फिर उनको किस बात का तनाव था, इसकी व्याख्या होनी चाहिए। पहली बार तो आप अभी गलत बोल रहे हैं, उन्होंने आत्महत्या की है। आप सीबीआई से ऊपर नहीं है, भारतीय जांच एजेंसी से। भारतीय जांच एजेंसी अभी तय कर रही है कि आत्महत्या हुआ या हत्या हुआ। हत्या भी हुआ तब भी सनातन धर्म के लिए दुखद है, आत्महत्या भी हुआ तब भी दुखद है, लेकिन ये दो अर्थों में दुखद है। अगर हत्या हुआ तो इसके कारण पैसे हैं, इसके कारण गद्दी है, इसके कारण संपत्ति है, मठ है। ऐसे शिष्य क्यों जो अपने गुरु की ही हत्या का षड्यंत्र रच रहे, आप ये पूछेंगे। और आत्महत्या किया तो आप ये पूछेंगे, जिन संतों के ऊपर लोगों को तनाव से मुक्ति देने का भार है, वो स्वयं इतने तनाव में क्यों है कि वो आज आत्महत्या कर रहे हैं। फिरोजाबाद और मथुरा के बाद ताजनगरी में डेंगू और वायरल बुखार में कोहराम मचा हुआ है। आगरा में लगातार डेंगू और वायरल के मरीज सामने आ रहे हैं। शहर से लेकर देहात तक हर तरफ डेंगू और वायरल ने ताजनगरी को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। ताजनगरी के 13 मरीजों में डेंगू का घातक स्ट्रेन D2 मिला है। डेंगू संक्रमण के दौरान होने वाली मौतों के लिए ये स्ट्रेन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इन सभी मरीजों का इलाज SN मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। फिरोजाबाद और मथुरा के बाद अब ताज नगरी आगरा में D2 स्ट्रेन ने हड़कंप मचा दिया है। SNMC द्वारा भेजे गए 25 नमूनों में से 13 में D2 का स्ट्रेन पाया गया है। SN मेडिकल कॉलेज के प्रशांत गुप्ता का कहना है कि जो नमूने भेजे गए थे उनमें 13 की पुष्टि हो गई है। और वायरल के भी मामले लगातार आगरा में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अभी तक 20 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, वहीं 127 से अधिक डेंगू के मरीजों में पुष्टि हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग और आगरा प्रशासन डेंगू और वायरस के कहर पर किस तरीके से काबू पाता है। प्रदीप रावत, जनता TV, आगरा। त्रिदिवसीय अभूतपूर्व धर्म साधना का आज दूसरा दिन है। तो वहीं आज राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष AK जैन ने माला पहनाकर उनका सम्मान किया है। इसके साथ ही महामंत्री विनय कुमार जैन ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और मूर्ति भी भेंट करी। तो वहीं इसके साथ मंगल दीप प्रज्वलित करते हुए उनके साथ मिलकर ये मंगल दीप प्रज्वलित किया गया और साथ में आशीर्वाद भी लेने का काम किया। इसी प्रांगण में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान अंगना जी, तो उस समय सौरभ सागर जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए थे। उनका आशीर्वाद, उनके आशीर्वचन हम सबको मिले थे और उन सबके आशीर्वाद से ही, भगवान अंगना जी की कृपा से ही, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में भी हम सबका संरक्षण हुआ और हम सब ऐसे संतों का आगमन बड़े भाग्य से मिलता है। जब उनके साक्षात दर्शन होते हैं, उनका सानिध्य मिलता है और उनके सानिध्य से हम सब एक नई ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, जिससे कि आगे का जीवन हमारा सफल हो सके। आज मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय राजेश्वर कुमार जैन परिवार का, विनय जैन जी का, संजय जैन जी का, लक्ष्मीकांत जी का, जिनके प्रयासों से, जिनके सौजन्य से इस तरह का ये सब आयोजन, चतुर्मास का आयोजन है और जिसमें हम सबको उपस्थित होने का, हम सबको आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे देवभूमि का। चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन फुल होने के बाद भी यात्री पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर धामी सरकार दोबारा से हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। तो वहीं सीएम धामी का कहना है कि चारों धाम में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार यात्रियों की संख्या की सीमा तय की गई है, लेकिन सीमित संख्या में भी लोग पूरे नहीं पहुंच रहे। ऐसे में सरकार दोबारा से हाईकोर्ट के माध्यम से राहत देने की मांग करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग चारधाम के दर्शन कर सके। माननीय न्यायालय से पुनः अनुरोध करने वाले हैं कि थोड़ा संख्या बढ़ा दी जाए, और अभी संख्या कम है क्योंकि 11-12 बजे तक सारे मंदिर खाली हो जा रहे हैं। तो माननीय न्यायालय भाई तुम्हारे तुम अपना स्थिति है उसको वहाँ रखकर हम अनुरोध करेंगे। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेगा स्वरोजगार शिविर का शुभारंभ किया। मेला शिविर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मेले में स्वरोजगार से जुड़े सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि वहीं कुछ महिला उद्यमियों ने स्वरोजगार मेले में अपने स्टॉल के माध्यम से सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों को दिखाने का प्रयास किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार करने वाले लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना कि स्वरोजगार की दिशा में कई सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। स्वरोजगार मिले हैं वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे नौजवान ऐसी बहनें जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपने रोजगार को स्वरोजगार के माध्यम से पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लोगों को भी रोजगार देना चाहते हैं। तो इस प्रकार के मेलों से निश्चित रूप से सभी को लाभ मिलेगा, और हमने कहा है कि इससे पंजीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और जो लोग अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं उन सभी को ज्यादा न भटकना पड़े और ज्यादा काउंटरों पर न जाना पड़े, इसके लिए आगे और अच्छी व्यवस्था हो निश्चित रूप से हम लोग ध्यान देंगे, जिससे कि लोग जो अपना ऋण लेना चाहते हैं, ऋण लेकर रोजगार करना चाहते हैं, उन सभी को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अक्टूबर से नवंबर के बीच उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने राष्ट्रीय नेतृत्व को अनुरोध पत्र भेज दिया है। कांग्रेस प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं का उत्तराखंड दौरा होगा, जिसके लिए अनुरोध पत्र AICC को भेजा जा चुका है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बनी रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।